सो वेलकम टू फैल्कन राइडर्स वंस अगेन गाइज, और थैंक यू वेरी मच जो आपने वाइट राइड, जो मेरी स्पीति राइड अभी चल रही है, उसको इतना प्यार और इतने अच्छे कमेंट्स, यू नो यू लाइक इट, मतलब दिल खुश हो जाता है। जितना भी मैंने एफर्ट किया, जितनी भी मेहनत करी, जो सब भी हमने किया, और वापस आके एडिटिंग करने में जो दिमाग की यू नो धही हो जाती है, उसके बाद सब कुछ करने के बाद जब रिजल्ट निकल के आता है और आप लोगों को पसंद आता है, इट्स फील सो गुड, यू नो, फिर एकदम से मन करता है कि अब अगले ट्रिप की तैयारी करनी है, और कुछ एडवेंचर लाना है, और कुछ चीज़ें करनी है, बिकॉज पीपल आर लविंग इट, फैमिली बढ़ती जा रही है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज, वी आर 20,000 की फैमिली हो गई है, 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, एंड फील्स गुड। अभी बहुत दूर जाना है और आप लोगों के साथ ही जुड़ के मैं ही आगे जा सकता हूँ। और हाँ, अगर आपको आप लाइक करते हो और आप कमेंट करते हो, शेयर भी करते हो, बिल्कुल काफ़ी लोग शेयर भी करते हैं, थोड़ा और शेयर करिए अपनी फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, उधर उधर, क्या पता उनको भी पसंद आए, और इसी तरीके से फैमिली बढ़ेगी, यू नो, इसी तरीके से मैं भी बढ़ सकता हूँ, और आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के, यू नो, इट्स बिकॉज ऑफ यू आई एम ग्रोइंग। सो मतलब आई ऑलवेज़ फील दैट, यू नो, सभी मेरे को लगता है कि मेरे को कहीं ना कहीं आपको वापस भी कुछ देना चाहिए अगर आप मेरे से जुड़ रहे हैं। इसलिए मैं जो हेल्प के, वाइट बोर्ड के सब वीडियोज़ बनाता हूँ, सोच सोच के कि किस चीज़ों से आपको हेल्प हो सकता है, यही मेरे को लगता है कि रिटर्न में मैं क्या दे रहा हूँ। मैं तो एक अपने एडवेंचर्स दिखा रहा हूँ, वो तो एक अलग चीज़ है, पर साथ में आपको रिटर्न में भी कुछ देना चाहिए, जिससे कि आप भी सीख सको मेरे एक्सपीरियंसेस से। सो एक और चीज़ मैं लेकर आया हूँ, ये जो वीडियो है इस बारे में, कि मेरे को लगता है कि अभी भी कुछ सब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा और मुझे कुछ करना चाहिए। सो मैं एक लेकर आया हूँ #FalconReturnGift। सो बेसिकली ये एक कॉम्पिटिशन होगा, और जो मैं जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, वो थोड़े दिन में, आई थिंक कि जो मैंने अभी डेट रखी, ऑलमोस्ट 28th या 28th को इसकी डिटेल्स आउट हो जाएंगी। और मेरी सबसे पहले जो डिटेल्स मैं आउट करूँगा वो मैं अपनी वेबसाइट पे करूँगा, www.falconridersindia.com या फिर www.falconriders.in, यहाँ पे मैं आपको अपडेट करूँगा। वेबसाइट अभी मैंने पूरी अच्छी तरीके से नहीं बनाई है, थोड़ी सी वर्किंग कंडीशन में है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने शायद देखी भी होंगी, तो इट्स नॉट वन ऑफ द बेस्ट। अभी जो मैं बना रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत करूँगा, क्योंकि यार बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, ये भी वेबसाइट का भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, बहुत बिजी कर लेता हूँ कभी कभी अपने आप को, पर एनीवे आई फील गुड। सो वहाँ पे डिटेल्स इसके आउट होंगी, उसके बाद इंस्टा पे भी करूँगा, फेसबुक पे भी करूँगा, यूट्यूब पे भी आ जाएंगी उसकी थोड़ी सी डिटेल्स, जो उसका कम्युनिटी वाला सेक्शन है। पर एनीवे, ये जो कंपटीशन है फैल्कन रिटर्न गिफ्ट, ये बेसिकली मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि जो पिछले साल जिन्होंने लद्दाख और स्पीति की राइड करी थी, या इस साल जो लद्दाख की और स्पीति की राइड कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि पिछले साल तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं लेकर आ पाया, या ऐसा कुछ नहीं ले पाया, क्योंकि मैं भी ग्रो ही कर रहा था, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। पर इस साल मेरे को सीज़न के स्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा वीडियो पहले बनाना था मेरे को, पर थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। पर एनीवे, सो इस साल जो भी लोग लद्दाख जा रहे हैं, स्पीति जा रहे हैं, उसके बाद जब वो वापस आएंगे, सो कुछ अपनी स्टोरीज़ या फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वो किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, या किस तरीके से वो बनानी है, या क्या डिटेल्स होगी, वो मैं 28 तारीख को आपको डिटेल्स आउट कर दूंगा। तो आने के बाद आप ऐसा कुछ एक एंट्री आप मेरे को भेजेंगे, ऐसे सभी लोग मेरे को भेजेंगे, उसके बाद में से मैं उनमें कुछ नैरो डाउन करूंगा, और उनका क्रैक क्राइटेरिया होगा कि कैसे जीतेगी, कौन सी एंट्री, उसकी भी डिटेल्स 28 तारीख को मैं डिटेल में आउट कर दूंगा। और सच बताऊँ तो मैं जो सोच रहा हूँ, एक ग्रैंड प्राइस सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई, किसी ने मेरे को कोई स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं कराया इसके लिए, और कोई गिफ्ट नहीं, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, अपनी पॉकेट से कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो ग्रैंड प्राइस है वो मैं रखूँगा एक एक्शन कैमरा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि जो मोटो व्लॉगिंग की दुनिया में आना चाहते हैं पर उनके पास एक्शन कैमरा नहीं है, और तो मेरे को लगा एक एक्शन कैमरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे मोटो व्लॉगर्स के, मतलब वो नहीं है तो क्या है, मतलब सो वो मेरे को एक लगा कि मैं एक ग्रैंड प्राइस में एक एक्शन कैमरा रखूँगा। कौन सा रखूँगा, क्या रखूँगा, वो मैं देखता हूँ मेरे बजट के हिसाब से जो भी होगा, और साथ में छोटे छोटे कुछ और भी गिफ्ट्स होंगे, जो ग्रैंड प्राइस होगा वो ये होगा, और उसके अलावा भी कुछ होंगे, वो सब डिटेल्स 28 तारीख को आ जाएंगी। सो #FalconReturnGift ये आप लोगों के लिए, आप लोगों का प्यार जो है कि आप लोग जाएँ, जो वापस आएँ, तो कुछ ऐसा कॉम्पिटिशन जो आप वहाँ की मेमोरीज या जो भी सब कर कर आएँ, उससे आने के बाद भी आप उसको यूज़ करके कुछ जीत सकते हैं और अपनी मेमोरीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं। सो यही मैंने एक सोचा था कि आप लोगों के लिए मैं कुछ और लेकर आऊँ। सो ये एक वो चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। 28 तारीख को आएगा, वैसे मैं कम्युनिटी फेसबुक में थोड़ा सा अपडेटेड रखूँगा, सबसे पहले वेबसाइट पे आएगा, उसके बाद सब जगह पे आ जाएगा। सो दैट्स इट। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने मंगवाई थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या है। मेरे को लगा आपके सामने ही खोलूँगा, मज़ा आएगा, यू नो, कुछ तो नया कुछ होना चाहिए।
वैसे तो आजकल जॉन विक आई हुई है 3, मेरे को वो भी देखनी है। आई एम इन लव विद जॉन विक फर्स्ट और सेकेंड, और थर्ड के ट्रेलर्स तो फाड़ू थे। और ऐसे मैं आपको बताऊँ, मेरे को एवेंजर्स बहुत पसंद थी, सीरीज़ बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है। और थानोस तो मतलब आई लव हिम। उसके बाद एवेंजर्स जो एंड गेम थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जो उससे पहले वाली थी, इज़न्ट इट? आपको क्या लगता है? आई थिंक स्टोरी तो अच्छी थी पर जो एक्शन सीक्वेंस थे वो पहले वाले में ज़्यादा बेटर थे, मेरे को ऐसा लगा। पर अमेजिंग तो थी यार, पर बड़ा दुख माना जब लगा कि थानोस ख़त्म, मतलब थानोस मर गया, अब क्या होगा? मतलब सडनली इतना एक स्पेस हो गया कि मतलब सुपर हीरोज़ हैं पर कोई विलन नहीं, और विलन भी ऐसा विलन नहीं, मतलब थानोस, मतलब अभी किससे लड़ेंगे? मतलब वो बच्चों से लड़ेंगे? मतलब जो एक बार थानोस से टाइप के एनिमी या विलन से लड़ चुके हैं, अब बाकी सब तो ऐसे छोटे मोटे लगेंगे ना कि मतलब अच्छा इससे लड़ लिया तो उसको हरा सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। सुनने में तो आया है कि थानोस से भी बड़ा एक विलन है, उसको भी लेकर आ रहे हैं, पर यू नेवर नो, देखते हैं क्या होता है। अभी तो स्पाइडरमैन की आ रही है फार फ्रॉम होम, आई थिंक ट्रेलर तो उसका भी बढ़िया है। ओके ये निकला इसके अंदर से बेसिकली ये एशियन पेंट्स के हैं, कुछ नई सीरीज आई, उन्होंने आई थिंक एवेंजर्स वालों के साथ टाइप करा है, एंड दे आर गिविंग दिस वॉल प्रिंट्स। सो अलग अलग टाइप के वॉल प्रिंट्स हैं जो एशियन पेंट से आप ऑर्डर कर सकते हो। सो मैंने अभी एक ऑर्डर किया है, और कैन यू गेस मैंने कौन सा ऑर्डर किया है? बता दो, गेस कर दो एक बार। अभी मैं आपसे इतनी देर बात कर रहा था, कुछ तो आइडिया होगा कि मैंने किसको ऑर्डर किया होगा। चलो अगर आपको नहीं गेस करना है या आपने सही गेस कर लिया है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किसको ऑर्डर किया है। नॉट अदर देन इधर से सीधा थानोस। यस, सो ये एक नया एड ऑन है। अभी इसको थोड़ा सा कट करके, या कट तो हुआ है, इसको निकाल के मेरे को ये स्टिक ऑन करना है। सो करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे किया। एनीवे, और हैशटैग रिटर्न फैल्कन गिफ्ट, हैशटैग फैल्कन रिटर्न गिफ्ट, सॉरी मैं भी नया नया है ना, अभी थोड़ा सा लगेगा टाइम। हैशटैग फैल्कन रिटर्न गिफ्ट आप लोगों के लिए है। 28 तारीख को डिटेल्स आउट हो जाएंगी, उससे पहले अपनी तैयारियां प्रिपरेशन सब कर लीजिए। अगर स्टिल कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में या इंस्टा पे भेज दीजिए, मैं स्टिल आपकी हेल्प कर सकता हूँ अभी, और करता रहूँगा। ट्रिप पे भी अगर कहीं हो, कहीं फंस गए हो, इंटरनेट दिखे तो ईमेल या इंस्टा पे कहीं भेज दीजिएगा, तो जो मेरे से होगा वो मैं कर दूंगा। ओके देन, टेक केयर, सी यू, व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।